हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो हम लोग करेंगे कैटेगरी डी के बारे में। कैटेगरी डी क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और कैटेगरी डी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रतिभागी हैं, जो लोग एग्जाम देते हैं डी कैटेगरी के अंदर, वो थोड़े से परेशान है। उनकी चिंता को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बी कैटेगरी और ए कैटेगरी के बारे में। तो बीए और एसए का जो एग्जाम होता है वो एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड और जीडीएस, ये सारे लोग दे सकते हैं। तो जीडीएस को आप लोग थोड़ा सा उस पॉइंट पर चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि जो जीडीएस टू बीए एसए का जो एग्जाम है, पहले वैकेंसियां सेपरेट रहती थी लेकिन आजकल सेपरेट नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर जीडीएस टू पीए ऐसे बनना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, और कुछ सर्कल्स में तो एक भी जीडीएस का सिलेक्शन नहीं हुआ है। पीए के एग्जाम, हाँ, पीए के जो पोस्ट है उसका नहीं हुआ है। तो इसको अभी चर्चा से थोड़ा सा बाहर रखते हैं। फिलहाल हम लोग चर्चा करेंगे एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड से। जो लोग एमटीएस में हैं और रेगुलर सर्विस करते हुए 5 साल हो गए हैं, वो लोग एक कैटेगरी में आते हैं। पोस्टमैन और मेल गार्ड है, रेगुलर सर्विस करते हुए 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, वो लोग एक कैटेगरी में आते हैं। बी कैटेगरी में कौन आता है? ऐसे जीडीएस जिनका प्रमोशन या तो एमटीएस में हो गया था या पोस्टमैन और मेल गार्ड में हो गया था, और इन दोनों की सर्विस, जीडीएस प्लस एमटीएस की सर्विस, अगर 5 साल हो गई है, तो उन लोगों को पीए ऐसे एग्जाम के लिए बी कैटेगरी में रखा गया है। और ऐसे जीडीएस जिनका पोस्टमैन मेल गार्ड के एग्जाम में सिलेक्शन हो गया था, और दोनों की जो सर्विस है, जीडीएस प्लस पोस्टमैन या मेल गार्ड, 5 साल अगर हो गई है, तो इनको भी बी कैटेगरी में रखा गया है। बेसिकली बात करें हम लोग पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो पुराने पैटर्न में सिंपली क्या होता था कि पीए ऐसे का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी वाले लोग ही दे पा सके, यानी कि वो एमटीएस दे पाते थे जिनकी रेगुलर सर्विस 5 साल हो गई है, और वो पोस्टमैन या मेल गार्ड दे पाते थे जिनकी रेगुलर सर्विस 3 साल रह गई है। बी कैटेगरी जैसी कोई कैटेगरी नहीं थी, लेकिन फिलहाल ये बी कैटेगरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो लोग ए कैटेगरी के हैं, एक्चुअल में वही पीएएससी के एग्जाम के लिए अर्हता थे, लेकिन बी कैटेगरी के जो लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जो जीडीएस में थे, एमटीएस में प्रमोशन हो गया है, या पोस्टमैन या मेल गार्ड में प्रमोशन हो गया है, रेगुलर सर्विस करते हुए 5 साल हो गए हैं, उनको बी कैटेगरी में रखा गया है। तो उनको बी कैटेगरी में जब रखा गया है, तो इनकी जो समस्या है वो सिंपली ये समस्या है कि बी कैटेगरी के लिए वैकेंसी कम होती है, और बी कैटेगरी के लिए वैकेंसियां कम है और कई जगह पर तो ना के बराबर है। तो इनकी समस्या सिर्फ और सिर्फ ये है कि ए कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनके नंबर पासिंग मार्क्स हैं 40 नंबर हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन बी कैटेगरी में जिनके 100 में से 80+ 90+ नंबर है, इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा भेदभाव क्यों? तो इसके पीछे सिंपल सा आप लोग ये समझे कि पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग कब तक एलिजिबल नहीं थे, जब तक आप लोग एमपीएस मैं 5 साल, पोस्टमैन या मेल गार्ड में 3 साल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तब तक आप लोग एलिजिबल नहीं थे। लेकिन बी कैटेगरी में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा गया है कि जो वैकेंसियां जिस साल में होती हैं, जैसे 2023 में वैकेंसी है, मान के चलते 100 वैकेंसी, और पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं, पीएएसए का एग्जाम हुआ, एमटीएस जिनकी 5 साल की सर्विस है वो एग्जाम में बैठे, पोस्टमैन और मेल गार्ड जो रेगुलर सर्विस करते हैं 3 साल हो गए हैं, वो एग्जाम में बैठे, पर इन लोगों में से 80 वैकेंसियां इन लोगों ने कवर कर ली, 20 वैकेंसियां आपकी बची हुई थी। तो पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो 20 वैकेंसियां थी वो 2024 के लिए जाती थी, लेकिन आजकल क्या है कि जो वैकेंसियां ए कैटेगरी से बच जाती हैं, वे बी कैटेगरी के लिए जाती हैं, यानी कि उन लोगों के लिए जाती हैं, उन जीडीएस के लिए जाती हैं स्पेशली, जो कि हाल ही में प्रमोट हुए हैं, चाहे पोस्टमैन में प्रमोट हुए हो या मेल गार्ड में हुए हैं या एमटीएस में हुए हैं, और वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि इन टॉप 20 में उनका नाम आ सकता है। तो उनको वैकेंसियां
देने की कोशिश की गई। बेसिकली पुराने रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ए कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी वैकेंसियां आप लोगों को तो 1 साल पहले बी कैटेगरी में होते हुए मिल जाती है। यानी कि ए कैटेगरी के जो लोग हैं उनको बुरा लगना चाहिए था कि उनकी जो वैकेंसियां हैं उस साल की उनको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था, आगे उनको चांस मिलता। जबकि ऐसा ना होकर के बी कैटेगरी के लोगों को वैकेंसियां दी जा रही है, तो बी कैटेगरी के लोगों को इसलिए दुखी नहीं होना है कि उनके पास नंबर ऑफ वैकेंसियां कम है, वैकेंसी उनको कम मिली इसलिए उनको दुखी नहीं होना है। उनको सिर्फ इतनी मेहनत करनी है कि जितनी भी वैकेंसी उनके सर्कल में बसती है उनमें वो टॉप में हो और उनका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए उनको मेहनत करने की जरूरत है और थोड़ा सा भगवान से प्रेयर करने की जरूरत है कि उनके लिए वैकेंसियां बची रहे। तो बेसिकली जो परेशानियां हैं बी कैटेगरी की वो वैकेंसी को लेकर के हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप ए कैटेगरी में जितना भी आपको समय लग रहा है 1 साल 2 साल 3 साल वहां ना जा करके आप लोग बी कैटेगरी में होते भी आप लोग एग्जाम दे पा रहे हैं और कुछ लोग तो सिलेक्शन भी ले रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आप लोग पॉजिटिव वे में रहे। ए कैटेगरी में जो लोग हैं वो थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि उनकी जो वैकेंसियां जिस वर्ष में वो एग्जाम देते हैं वहां पर खाली जो रहती हैं उनको अगले साल की वैकेंसी में ऐड करना चाहिए था, लेकिन वो बी कैटेगरी को दे देते हैं। इसका मतलब है कि जो वैकेंसियां थी वो वैकेंसियां अब वेकेंट नहीं रहती हैं, तो उनको परेशान होने की जरूरत थी। बी कैटेगरी वाले लोगों को तो खुशी मनानी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए कई लोग कंप्लेन करते हैं सर वैकेंसियां ना के बराबर है, कुछ लोग कहते हैं सर वैकेंसियां कम है। तो आप लोगों को ये जो समस्या है इसका आप लोग खुद से ही सोचें, खुद से ही इसको हल करने की कोशिश करें। हाँ ये कर सकते हैं आप लोग कि जितनी भी वैकेंसियां हैं उन वैकेंसी में आप लोग टॉप करें, यानी कि इतने नंबर लाएं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये आप लोगों को करने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक कैटेगरी के लोगों को थोड़ा सा मुश्किल है कि इनकी जो वैकेंसियां जो भी बचती हैं वो अगले साल जाने की बजाय वो बी कैटेगरी से फेल हो रही है, लेकिन ए कैटेगरी वाले लोगों को तो भी थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है कि वैकेंसियां उनसे बचे ही नहीं है। वो कम से कम पासिंग मार्क्स को लेके आए, कम से कम जो मिनिमम मार्क्स है 40% कई जगह 33%, कई बार 37% जो भी मिनिमम मार्क्स है आप लोग कम से कम इतना तो अचीव करें, इतनी तो आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसलिए ए कैटेगरी वालों को थोड़ा सा जागने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, और बी कैटेगरी वाले लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है कि उनको कम से कम इतना पेशेंस तो रखें कि उनको जो वैकेंसियां मिल रही हैं उनमें आप लोग सेलेक्ट हो, नहीं तो आप लोग आगे चल के ए कैटेगरी माने वाले हैं और आप लोगों को लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप 1-2 साल में जरूर ए कैटेगरी में पहुंचेंगे और वहां पर आप लोग अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए आप लोग वो थोड़ा सा परेशान होने की बजाय दोनों ही जो कैटेगरी के लोग हैं ए और बी, स्पेशली बी वाले लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो ए वाले लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। और आप लोग दोनों ही मेहनत करते रहे और सिलेक्शन लेते रहे, अपनी मेहनत के दम पर आप लोग आगे बढ़ते रहे और अपना जो फ्यूचर है उसको ब्राइट करते रहे। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का, धन्यवाद।